बहुजन समाज पार्टी के नेता नकुल दुबे, इन्होंने दिया बड़ा बयान। सपा और भाजपा पर लगाए ब्राह्मणों के उत्पीड़न को लेकर गंभीर आरोप। 4 दिन पहले पहुंचे अयोध्या, ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने आने वाली 23 जुलाई से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन के कार्यक्रमों का आयोजन किया है और जिसका पूरा पूरा नेतृत्व और जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा इन्हें दी गई है। इस संदर्भ में संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो बहुजन समाज पार्टी के इस ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कई दिनों से जो है वो तैयारियों में लग चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन कुमारी मायावती, इन्होंने सामाजिक भाईचारे को ध्यान में रखते हुए दलित, पिछड़े और ब्राह्मण समाज के भाईचारा निर्माण करने के लिए अलग अलग समाज के सम्मेलन लेने का उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे और उसी दिशा निर्देश के अनुसार अब बहुजन समाज पार्टी के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं। और इस संदर्भ में जो रामनगरी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, और इस बात को लेकर, इस तैयारी को लेकर नकुल दुबे, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो 4 दिन पहले वहां पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। 23 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है इस संपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिए। हमारा समाज जो कि आज बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित, परेशान, हताश, निराश, बदहवास और दुखी है, इन सब बातों को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही बारीकी से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को कि आप एक बार फिर से इस अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। वही आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग दिनांक 23 तारीख को यहाँ पर करेंगे। 23 तारीख को कार्यक्रम अयोध्या में कहाँ पर होगा और क्या प्रशासन ने उसकी परमिशन दे दिया? जी हाँ, परमिशन वगैरह के लिए हो गई है लगभग पूरी कार्रवाई। और ताराश्री आप सब लोग जानते हैं, रिजॉर्ट है ये हाईवे पर, अयोध्या में है वो, तो वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सब लोग वहाँ पर पहुँचें और अपना अपना आशीर्वाद। अगर समय की बात की जाए, समय क्या रहेगा और कितने लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं? देखिए, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, हम लोग अनुशासन तोड़ करके या नियम कानून तोड़ कोई कार्य नहीं करते हैं। तो एक लिमिटेड संख्या में वहाँ पर लोग वहाँ पर रहेंगे और हम लोग ये प्रयास करेंगे, पूरा हम लोग तरफ पूरा प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से, एक हमारा जो संदेश है वो प्रदेश में अयोध्या के माध्यम से चलाया। एक बात आपने अभी खुशी दुबे को लेकर कही। जी जी, खुशी दुबे के लिए सतीश चंद्र मिश्र जी ने क्या कोई वकालतनामा जो है उनसे साइन कराया या उनके मुकदमे लड़ने की बात कही? देखिए, जहाँ तक किसी का वकालतनामा साइन करने का या किसी की पैरवी करने की बात है, तो एडवोकेट्स एक्ट वगैरह में हम प्राविधान है कि जब कोई व्यक्ति हमसे सहायता मांगने आता है, हम लोग वहाँ निश्चित रूप से, हमारी संवेदनाएँ पूरी हैं। और वो सभी लोग इस प्रदेश में जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो किसी समाज के लोग हों, अगर उनके खिलाफ अन्याय अत्याचार, आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, आपने देखा भी आपने कि 120 राजद्रोह के मामलों में से 90 मामले में न्यायालय ने कह दिया कि एकदम टोटल फर्जी है, ये गलत लगाए गए हैं, ये विद्वेषपूर्ण भावना से लगाए गए हैं। तो हमारा ये कहना और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का तो ये स्पष्ट कहना है कि ऐसे लोगों को हम हमेशा निःशुल्क सुविधा देते रहे और हमेशा सुविधा देते रहे। सर, आखिरी सवाल मेरा कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए 8.5 साल बाद ही बसपा को क्यों दिया गया ब्राह्मण? देखिए, अगर आप इस बात को कहेंगे कि 8.5 साल बाद है, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूँगा। आप 2012 से लेकर के 2021 की बात कर रहे हैं, लेकिन आप 2007 से 12 के बीच में बात जानबूझ करके नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2012 के बाद से कंटिन्यूसली हमारे समाज के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, जो हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भली बात जानते हैं। रही बात 2012 के बाद जब हमारी सरकार सत्ता से बाहर चली गई, तब भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन में जिले स्तर पर अब मैं आपके सामने बैठा हूँ उदाहरण के रूप में, मुझको आदरणीय बहन जी ने सन 2007 में मौका दिया, 12 में मौका दिया, 14 में लखनऊ पार्लियामेंट लड़ाया,
17 में फिर मैं विधानसभा लड़ा और 19 में मैं अभी सीतापुर पार्लियामेंट चुनाव लड़ करके आ रहा हूँ। तो अगर ये हम खाली मान लें कि हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है, अब पूछा जा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं। हमारे नेता का ये कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संकल्प रहता है। लेकिन अगर दलित समाज, अन्य समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, अगर सारे समाजों के साथ आप अत्याचार करेंगे तो हम सबके साथ मिलकर के आपके ऊपर हमलावर हो जाएंगे और हम आपको गद्दी से उतार देंगे। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे, इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के राज में सबसे ज्यादा अगर उपेक्षा किसी की हुई है तो वो ब्राह्मण समाज की हुई है। ब्राह्मण समाज पर बीजेपी की सरकार ने फर्जी आरोप लगाए हैं और उन्हें फंसाया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जहां पर सर्व समाज जो है वो अन्याय मुक्त और अत्याचार मुक्त रह सकता है, जिसके शासन काल में किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी कौम पर अन्याय अत्याचार नहीं होते। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज को सुरक्षितता प्रदान कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मण समाज से आह्वान किया है कि बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा संख्या में जुड़े और रामनगरी अयोध्या से शुरू होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहें, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।